हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे यहाँ बनने वाला है आम का अचार। तो उसके लिए सभी लोग आए हुए हैं बाग में और जो आम है उसे तोड़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आम जो है पेड़ में लगे हुए हैं, तो इसे हम तोड़ के ले लेंगे। पहले देखिए आम जो है तोड़ के ले लिया है और उसके बाद में जहाँ से आम तोड़ा जाता है वहाँ पर चोपी निकलती है। अगर वो आपके हाथ में लग गया, चेहरे पर लग गया, तो बहुत ही ख़राब निशान जो है पड़ जाता है। तो चोपी वाली जगह पे थोड़ा सा चक्कू से काट के आम को जो है पानी में हमने डाल दिया है ताकि जो सारा चोपी है इसका पानी में निकल जाए। और उसके बाद में ये आम कटनी है, इसे आम की कटनी बोलते हैं। तो आपको जितना बड़ा आम अचार बनाना है इस तरह से टुकड़े में काट लीजिए। तो क्योंकि ये बड़े आम के पीस हैं तो इसे मैं छोटे छोटे कर ले रही हूँ। अगर आपके पास छोटे आम हैं तो आप उसे चार पीस में काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आम है हमारे कट चुके हैं। ये छोटे आम है, इसे भी हमने इसी तरह से कट कर लिया है। जहाँ से तोड़ा हुआ है पेड़ में से, तो वहाँ पे थोड़ा सा कट करके सरसों का तेल लगा के इसे पानी में डाल दिया था ताकि जो इसमें जो चोपी निकल रही थी वो सारा पानी में निकल जाए और कट करके अपने हाथ में जो है चोपी ना लगे। और उसके बाद में हम इसे कट कर लेंगे। सारा आम जो है बड़े बर्तन में हम निकाल दे रहे हैं। इस आम को हम चार टुकड़ों में कट करेंगे क्योंकि ये साइज में छोटे हैं। और उसके बाद में जो खुसली है इसकी, उसे हमें निकाल देना है साइड में क्योंकि खुसली की जो जरूरत हमें नहीं है इसमें। बहुत से लोग खुसली का भी अचार बनाते हैं लेकिन इसमें आम का अचार बनाने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए और इस अचार को आप बना के साल भर रख सकते हैं, ये खराब बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए जो खुजली निकाल के बिल्कुल साफ हो चुका है आम। और उसके बाद में हम इसे धो लेंगे। धुलने के बाद में हमने इसमें डाल दिया है नमक और हल्दी और अच्छे से कर देंगे मिक्स। और इसे धूप में हमें फैलाना है तो यहाँ पर मैं इसे धूप में फैला दे रही हूँ ताकि जो हल्दी और नमक हमने लगाया वो अच्छे से इसमें लग जाए और जो अचार है हमारा थोड़ा सूख जाए। इसी ज़्यादा दिन तक हमें सुखाना नहीं है, केवल एक दिन धूप में रख दीजिए इसमें, क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो एक दिन में जो अचार है अच्छे से सूख जाएगा। तो हम इसे फैला देते हैं। और उसके बाद तैयारी करेंगे मसाले की। मसाले में हमने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो धनिया, आधा किलो लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से साफ करके ले लेना है। ये तीखी लाल मिर्च हमने यहाँ पे लिया है, आप चाहे तो इसका पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप खड़ी लाल मिर्च लेंगे तो ये काफ़ी दिन तक जो मसाला है अचार का ख़राब होने वाला नहीं है। मिर्ची को साफ करने के बाद में हम इसे इस तरह से कुटनी में कूट लेंगे। तो जो मिर्ची है अच्छे से पिस चुकी है दरदरी, ये देखिए आप किस तरह से मिर्ची जो है अच्छे से पिस चुका है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं।
और इसके बाद में यहाँ पे जो लहसुन है उसे हमने छील के रखा था उसे भी मैं इसमें डाल के कूट लूँगी। तो फ्रेंड्स लाल मिर्च और जो लहसुन है वो पीस के तैयार हो चुका है और उसके बाद में जो धनिया है उसे हमें हल्का सा भून के लेना है, तब जब तक इसकी जो खुशबू है ना आने लगे तब तक जो धनिया है हमें भून कर ले लेना है और उसे उसके बाद में हम इसे ठंडा करने के बाद में पीस लेंगे। तो धनिया जो है भून चुका है उसके बाद में हम भूनेंगे ये लिया है मैंने जीरा, जीरा लगभग 50 ग्राम है और साथ ही सौंफ है 50 ग्राम और मंगरेल हमने लिया है काला वाला, इसे प्याज का बीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सौंफ और जीरा एक साथ में भूनने वाले हैं। फ्रेंड्स सौंफ की काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है और उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो मंगरेल है उसको भी भून लिया है और यहाँ पे पीसा जा रहा है सरसों। जो सरसों है ये अचार में पड़ने वाला है इससे काफ़ी अच्छा जो है फ्लेवर जो अचार में इसके आने वाला है। तो इसे इस तरह से जात में पीसने के बाद में सूप से साफ कर लिया जाएगा ताकि जिसका जो छिलका है काला वाला वो निकल जाए। तो अब बारी है मसाला बनाने की। तो मसाला में यहाँ पे हमने जो धनिया था उसे पीस के ले लिया है मिक्सर में, उसे मैं डाल दे रही हूँ। ये धनिया पाउडर हो चुका है और ये जीरा और सौंफ का पाउडर है इसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स ये भी धनिया पाउडर है ये भी पीस के आया तो इसे मैं डाल दे रही हूँ इसमें और ये सरसों जो मैंने आपको दिखाया था उसे अच्छे से साफ करके इसमें डाल देना है और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो मैंने लाल मिर्च और लहसुन को कूट के लिया था उसे इसमें डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अचार में जो नमक है वो तेज पड़ता है तो आप इसमें नमक डाल दीजिए ढेर सारा, ज़्यादा भी मत डालिए। और उसके बाद में डालना है सरसों का तेल और सारे मसालों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। ताकि जो सारा मसाला है अच्छे से सरसों के तेल में मिक्स हो जाए। उसके बाद में हम इसमें हल्दी और जो आम कट करके सुखा के रखा है उसे हम डाल के इसमें मिक्स करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही चटपटा अचार जो है बनके तैयार हो जाएगा और आप इसे साल भर संभाल के रख सकते हैं। बस इसे जूठे हाथ से न छुएं, एक चम्मच की सहायता से निकालें तो आपका जो अचार है बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। देख सकते हैं जो मसाला है अच्छे से तैयार हो चुका है। तो आधा मसाला जो है हम निकाल के साइड में रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक छोटे वाले आम जो है बनाने वाले हैं हम और बड़े वाले आम दोनों का अचार बनाने वाले हैं। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने पहले भी आम में जो है हल्दी लगा के सुखाया था तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हल्दी ज़्यादा ना डालें। तेल में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है इसमें क्योंकि जो अचार है आप बनाना चाहते हैं साल भर के लिए तो तेल मसाला जो है काफ़ी इसमें पड़ने वाला है। ये देखिए इसके बाद में जो आम है उसे हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं आम को मैंने ज़्यादा नहीं सुखाया, केवल एक दिन के लिए धूप में फैला दिया था। और उसके बाद में इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि जो मसाला है पूरा अच्छी तरह से आम में लिपट जाए। तो थोड़ा मेहनत लगता है फ्रेंड्स लेकिन काफी टेस्टी जो अचार है आप बना सकते हैं घर में। देखिए सारे जो मसाले हैं अच्छे से आम में लग जाने चाहिए।
और फिर आपका जो आम का अचार है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा छोटा वाला जो आम था उसका अचार तैयार हो चुका है। इसी तरह से जो बड़े आम के मैंने पीस करके सुखाए हैं उसे भी मैं तैयार कर लूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।